श्री गरुड़ पुराण कथा के तीसरे भाग में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सिंहावलोकन का दूसरा भाग पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। यान और शैया का दान करने पर भार्या। भयभीत को अभय प्रदान करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। धान्य दान से शाश्वत अविनाशी सुख और वेदाध्यापन वेद के दान से ब्रह्म का सानिध्य लाभ होता है। गाय को घास देने से पापों से मुक्ति मिलती है। ईंधन के लिए काष्ठ आदि का दान करने से व्यक्ति प्रदीप्त अग्नि के समान तेजस्वी हो जाता है। रोगियों के रोग शांति के लिए औषधि तेल आदि पदार्थ एवं भोजन देने वाला मनुष्य रोग रहित सुखी और दीर्घायु हो जाता है। जो मनुष्य परलोक में अक्षय सुख की अभिलाषा रखता है उसे अपने लिए संसार या घर में जो वस्तु सर्वाधिक प्रिय है उस वस्तु का दान गुणवान ब्राह्मण को करना चाहिए। दान धर्म से बढ़कर श्रेष्ठ धर्म इस संसार में प्राणियों के लिए कोई दूसरा नहीं है। गौ ब्राह्मण अग्नि तथा देवों को दिए जाने वाले दान से जो मनुष्य मोहवश दूसरों को रोकता है वह पापी तिर्यक पक्षी की योनि को प्राप्त करता है। दान धर्म के बाद प्रायश्चित का निरूपण किया गया है। ब्रह्म हत्या मदिरापान स्वर्ण की चोरी और गुरु पत्नी गमन ये चार महापाप कहे गए हैं। इन सभी का साथ करने वाला पांचवा महापातक को होता है। गोहत्या आदि जो अन्य पाप हैं वे उपपातक में माने गए हैं। इन सभी पापों का प्रायश्चित विधान यहाँ प्रस्तुत किया गया है। इसके अनंतर भारतवर्ष का वर्णन तीर्थों का वर्णन और उनकी महिमा प्रस्तुत की गई है। ज्योतिष चक्र में वर्जित नक्षत्र उनके देवता एवं कतिपय शुभ अशुभ योगों तथा मुहूर्तों का वर्णन ग्रह दशा यात्रा शकुन छींक का फल ग्रहों के शुभ और अशुभ स्थान तथा उनके अनुसार शुभाशुभ फल का विवेचन यहाँ प्रस्तुत है। इसी प्रकार लग्न फल राशियों के चर स्थिर आदि भेद ग्रहों का स्वभाव तथा सात वारों में किए जाने योग्य प्रशस्त कार्य का भी निरूपण किया गया है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार स्त्री पुरुष के शुभाशुभ लक्षण मस्तक एवं हस्तरेखा से आयु का परिज्ञान भी यहाँ कराया गया है। स्वरोदय विज्ञान का निरूपण भी हुआ है। तिथि नक्षत्र आदि व्रतों का निरूपण चातुर्माश व्रत का निरूपण शिवरात्रि व्रत कथा तथा व्रत विधान एकादशी महात्म्य आदि प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त सूर्यवंश चंद्रवंश का वर्णन भविष्य के राजवंश का वर्णन किया गया है। रत्नों के प्रादुर्भाव का आख्यान वज्र या हीरे की परीक्षा पद्मराग मरकतमणि इंद्रनीलमणि वैदुर्यमणि पुष्परागमणि विद्रुममणि स्फटिक रुद्रराक्ष रत्न पुलक करकेतनमणि भीष्मकमणि तथा मुक्ता आदि रत्नों के वियद भेद लक्षण और परीक्षण विधि बताई गई है। गंगा आदि विविध तीर्थों प्रयाग वाराणसी कुरुक्षेत्र द्वारका केदार बद्रिकाश्रम श्वेतद्वीप मायापुरी या हरिद्वार नैमिषारण्य पुष्कर अयोध्या चित्रकूट कांचीपुरी तुंगभद्रा श्रीशैल सेतुबंध रामेश्वर अमरकंटक उज्जैनी मथुरापुरी आदि स्थानों को महातीर्थ कहा गया है। इन पवित्र तीर्थ स्थलों में किया गया स्नान दान जप पूजा श्राद्ध तथा पिंडदान आदि अक्षय होता है। गया तीर्थ का महात्म्य तथा गया क्षेत्र में श्राद्ध आदि करने का फल सविस्तार समारोह पूर्वक यहाँ प्रस्तुत है। गय नामक असुर की उत्कृष्टि तपस्या संतप्त देवगणों की प्रार्थना पर भगवान विष्णु की गदा से वह असुर मारा गया। उस गयासुर के नाम पर ही गया तीर्थ प्रसिद्ध हुआ। यहाँ गदाधर भगवान विष्णु मुख्य देव के रूप में अवस्थित हैं। गया में श्राद्ध करने से पंच महापापों की निवृत्ति तो होती ही है, इसके साथ ही अन्य संपूर्ण पापों का भी विनाश होता है। जिनकी संस्कार रहित दशा में मृत्यु हो जाती है अथवा जो मनुष्य पशु या चोर द्वारा मारे जाते हैं जिनकी मृत्यु सर्प के काटने से होती है वे सभी गया श्राद्ध के पुण्य से उन्मुक्त होकर स्वर्ग चले जाते हैं। गया में पिंडदान करने मात्र से पितरों को परम गति प्राप्त होती है।
गया तीर्थ में पितरों के लिए पिंड दान करने से मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है 100 करोड़ वर्षों में भी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। यहाँ तक कहा गया है कि गया गमन मात्र से ही व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। कहते हैं गया क्षेत्र में भगवान विष्णु पितृ देवता के रूप में विराजमान रहते हैं। पुंडरीकाक्ष उन भगवान जनार्दन का दर्शन करने पर मनुष्य अपने तीनों ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। गया क्षेत्र में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर तीर्थ नहीं है। 5 कोष के क्षेत्रफल में स्थित गया क्षेत्र में जहाँ तहाँ भी पिंड दान करने वाला मनुष्य अक्षय फल को प्राप्त कर अपने पितृगणों को ब्रह्मलोक प्रदान करता है। प्राचीन काल में रुचि नामक प्रजापति संसार के माया मोह को छोड़कर गृहस्थादिक आश्रमों के नियमों से रहित होकर इधर उधर निरहंकार भाव से अकेले ही विचरण करने लगे। यह देखकर उनके पितृजनों ने उन्हें गृहस्थाश्रम की महिमा बताते हुए पाणी ग्रहण संस्कार को स्वर्ग एवं मोक्ष प्राप्ति का हेतु बताया, क्योंकि गृहस्थ आश्रम समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और याचकों की पूजा करके उत्तम लोक को प्राप्त करता है। रुचि ने भी पितरों से अपनी शंकाएं प्रस्तुत की। इसका पितरों ने समुचित उत्तर देते हुए गृहस्थाश्रम के धर्म पालन के लिए रुचि से आग्रह किया। रुचि भी दुविधा में आ गए और उन्होंने तपस्या द्वारा ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा के निर्देश से ऋषि रुचि ने नदी के एकांत तट पर पितरों का तर्पण कर उन्हें संतृप्त किया और पितरों की स्तुतियों से आराधना की। पितृजनों ने संतुष्ट हो प्रकट होकर रुचि को मनोरमा पत्नी तथा पुत्रादि की प्राप्ति करने का वरदान दिया और यह भी कहा कि जो मनुष्य भक्तिपूर्वक स्तुति से हम पितरों को संतुष्ट करेगा उससे प्रसन्न होकर हम लोग उसे उत्तम भोग, आत्मविषयक उत्तम ज्ञान, आयु, आरोग्य तथा पुत्र पौत्रादि प्रदान करेंगे। अतः कामनाओं की पूर्ति चाहने वाले श्रद्धालुओं को निरंतर इस स्तोत्र से पितरों की स्तुति करनी चाहिए। तदंतर द्रव्य शुद्धि एवं कर्म विपाक, प्रायश्चित विधान, शांतपन, किच्छ, पराग तथा चांद्रायणादि व्रतों के विविध स्वरूपों को दर्शाया गया है। इसके साथ ही ऋषि महर्षि तथा देवताओं द्वारा प्रतिपादित नीति शास्त्र का विवेचन किया गया है, जो सभी के लिए हितकर तथा पुण्य, आयु एवं स्वर्गादि को प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इस पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि जाता है उसे सदैव सज्जनों की ही संगति करनी चाहिए। दुर्जनों के साथ रहने से इस लोक तथा परलोक में हित संभव नहीं है। दूसरे की निंदा, दूसरे का धन ग्रहण, पराय स्त्री के साथ परिहास तथा पराय घर में निवास कभी नहीं करना चाहिए। मनुष्य को दुर्जनों के संग का परित्याग कर साधु जनों की संगति करनी चाहिए और दिन रात पुण्य का संचय करते हुए नित्य अपनी अनित्या को स्मरण रखना चाहिए। नरक में निवास करना अच्छा है किंतु दुष्चरित्र के घर में निवास करना उचित नहीं है। नरकवास के कारण पाप विनिष्ट हो जाते हैं किंतु दुष्चरित्र के घर में निवास करने से पाप विनिष्ट नहीं होते। जो बाल्यावस्था में विद्याध्ययन नहीं करते हैं फिर युवावस्था में कामातुर होकर यौवन तथा धन को नष्ट कर देते हैं। वे वृद्धाश्रम में चिंता से जलते हुए शिशिर काल में कुहासे से झुलसने पर कमल के समान संतप्त जीवन व्यतीत करते हैं। इसके बाद राजनीति का वर्णन किया गया है। राजा को सत्यपरायण तथा धर्मपरायण होना चाहिए। जो धार्मिक राजा गौ ब्राह्मण के हित में रत रहता है वही जितेंद्रिय राजा प्रजा के पालन में समर्थ हो सकता है। जो राजा शास्त्र सम्मत तथा युक्ति युक्त सिद्धांतों का उल्लंघन करता है वह निश्चित ही इस लोक तथा परलोक दोनों में नष्ट हो जाता है। सत्य के पालन से धर्म की रक्षा होती है, सदा अभ्यास करने से विद्या की रक्षा होती है, मार्जन के द्वारा पात्र की रक्षा होती है और सील के द्वारा कुल की रक्षा होती है। सत्य पालन रूपी सुचिता, मन शुद्धि, इंद्रिय निग्रह, सभी प्राणियों में दया और जल में प्रक्षालन, ये 5 प्रकार के शौच माने गए हैं, जिसमें सत्य पालन की सुचिता है उसके लिए स्वर्ग की प्राप्ति दुर्लभ नहीं है। जो मनुष्य सत्य संभाषण ही करता है
वह अश्वमेध यज्ञ करने वाले व्यक्ति से बढ़कर है। जिस व्यक्ति ने एक बार भी हरि इन दो अक्षरों से युक्त शब्द का उच्चारण कर लिया है, वह अपने कटि प्रदेश में परिकर फेंटा बांधकर मुक्ति प्राप्त करने के लिए तैयार रहता है। ऐसा मनुष्य मोक्ष का अधिकारी होता है। इस प्रकार मनुष्य को उन्नति के पथ पर ले जाने वाले नीति से युक्त कल्याणकारी वचनों का संग्रह इस महापुराण में प्राप्त होता है, जिसे ग्रहण करके मानव शाश्वत सुखानुभूति से लाभान्वित हो सकता है। तदंतर भगवान के विभिन्न अवतारों की कथा तथा पतिव्रता महात्म्य में ब्राह्मण पत्नी अनसूया एवं भगवती सीता के पातिव्रत का आख्यान मिलता है। रामचरित वर्णन, रामायण कथा, हरिवंश वर्णन, श्रीकृष्ण कथा तथा महाभारत की कथा और युद्ध आदि अवतारों की कथा का वर्णन भी यहाँ प्राप्त होता है। इसके बाद आयुर्वेद का प्रकरण प्रारंभ होता है। भगवान धन्वंतरी प्रोक्त संपूर्ण आयुर्वेद को अष्टांग आयुर्वेद कहा गया है। यह अथर्ववेद का उपवेद है। शारीरिक, मानसिक तथा आगंतुक, इस प्रकार से व्याधियाँ तीन प्रकार की कही गई हैं। प्रस्तुत गरुड़ पुराण में मुख्य रूप से निदान स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान, विशोषधि ज्ञान तथा चिकित्सा और उत्तर तंत्र में कौमार्यंतंत्र एवं भूत विद्या आदि विषयों का ही निरूपण हुआ है। साथ ही गवायुर्वेद, अश्व चिकित्सा, गज चिकित्सा आदि का भी संक्षेप में निर्देश हुआ है। गरुड़ पुराण के आयुर्वेद प्रकरण के प्रथम 20 अध्यायों में निदान स्थान के विषय वर्णित हैं। किस कारण से रोग उत्पन्न हुआ है, रोग के लक्षण क्या हैं, जिससे रोग का निर्णय हो सके, इत्यादि विषय निदान शब्द से अभिप्रेत हैं। इसमें प्रारंभ में ज्वर, रक्त, पित्त, श्वास, राजयक्ष्मा, मदात्यय, अर्श, अतिसार, मूत्राघात, प्रमेह, गुल्म, पांडु, कुष्ठ, वात दोष आदि रोगों के उत्पत्ति जनक कारणों तथा उनके लक्षणों का वर्णन हुआ है। गरुड़ पुराण का यह वर्णन आचार्य वाग्भट के अष्टांग हृदय से बहुत अंशों में साम्य रखता है। इसके बाद लगभग 40 अध्यायों में विभिन्न रोगों की चिकित्सा हेतु औषधियों का निरूपण हुआ है। अमुक रोग होने पर अमुक अमुक औषधियों का प्रयोग करना चाहिए, इनके निर्माण की तथा अनुपान आदि की विधि बताई गई है। एक ही रोग के लिए अनेक औषधिक योगों को भी बताया गया है। आयुर्वेद की औषधियों और वनस्पतियों का वर्णन जो भगवान श्री हरि ने शिवजी से किया था, उसे सुनाने के बाद सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को कुमार अर्थात भगवान स्कंद के द्वारा कल्यायन से कहे गए व्याकरण शास्त्र को सुनाया। यह व्याकरण सिद्ध शब्दों के ज्ञान एवं बालकों की व्युत्पत्ति प्रक्रिया को बढ़ाने में सहायक हैं। इसके अनंतर सूत जी ने अल्प बुद्धि वालों के लिए विशिष्ट बुद्धि की प्राप्ति हेतु मात्रा और वर्ण के भेद के अनुसार छंद विधान को प्रस्तुत किया है। श्री गरुड़ महापुराण की कथा के तीसरे भाग में इतना ही, शेष अगले भाग में सुनेंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अन्य लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और गरुड़ पुराण के आने वाले भागों और हमारे और भी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।